सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि जाति व्यवस्था मानवकृत है या ईश्वरीय। जाति व्यवस्था तो मानवकृत है, लेकिन पूर्णतः शुद्ध रूप से मानवकृत भी नहीं कही जा सकती। यानी इसको मैं मध्य में कहूंगा, यह ना तो पूर्ण मानवकृत है और न ही पूर्ण ईश्वरीय है। अब मैं बता रहा हूं, हम किसी व्यवस्था को ईश्वरीय तब कह सकते हैं जो वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो और उस व्यवस्था से हम अलग नहीं हट सकते हो, उसमें हम फेर बदल नहीं कर सकते हो। तो उसको हम ईश्वरीय कहेंगे। जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर किसी समूह का नामकरण करना है। जन्म के आधार पर किसी समूह का नामकरण करना जाति व्यवस्था। लेकिन इसमें मानव बदलाव कर सकता है, यानी क्योंकि जन्म जो है वह विवाह के तहत हो सकता है, स्त्री पुरुष के संयोग से होता है, तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो है हम अलग अगर किसी अन्य से शादी कर लें, दूसरी बिरादरी की जो जिसको दूसरी जाति कहा जाता है, तो एक अलग ढंग जो उसकी नस्ल होगी वो क्या कहलाएगी। अगर एक चमार शादी कर ले एक ब्राह्मण से तो उसकी नस्ल क्या होगी, फिर वह किसी अर्थ से कर ले इस तरह से देखेंगे तो यह व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था यह ध्वस्त हो जाती है। और जाति व्यवस्था वैसे ईश्वरीय किस अर्थ में है, इस अर्थ में है कि भाई जन्मना तो पड़ेगा ही माता पिता से ही, वीर रस से ही जन्म होगा। और जिस जाति का है, अगर यहाँ पर मानव को ही एक जाति मान लें तो मानव का ही जन्म होगा, तो उस अर्थ में तो यह ईश्वरीय है कि मनुष्य मनुष्य में ही जन्म रहा है, वो भेड़ नहीं बन रहा है, बकरी नहीं बन रहा है, शेर नहीं बन रहा, हाथी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि इसका एक दायरा तो है ही, इसका मतलब है कि इसका एक समूह तो है ही। अब इसके बाद मानव में भी अगर हम देखते हैं तो अलग अलग नस्ल के हैं जो साफ दिखते हैं, जिनके डीएनए में कुछ अंतर तो बदलाव तो अवश्य दिखता है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक ग्रुप है, उस नस्ल के आधार पर, जैसे नेग्रिटो एक ग्रुप है, मंगोलियन एक ग्रुप है, तो उसको एक हम जाति कह सकते हैं। हालांकि उसको कुछ लोग नस्ल कह रहे हैं, तो चाहे मनुष्य की आप कैटेगरी बनाना चाहें तो कैटेगरी तो मनुष्य की बन रही है। किसी की अब अलग अलग वो बनाया गया कि नेशनल इंडेक्स इतना है इतना है, लेकिन इतना तो जरूर है कि कोई भी मानव किसी मानव से विवाह कर ले रहा है या संयोग कर ले रहा है तो बच्चा तो हो ही जा रहा है। तो उस अर्थ पर, उस आधार पर, क्योंकि जाति में जो है जन्मने से है, क्योंकि मानव और कुत्ते ऐसे संयोग हो करके हम जन्मा नहीं सकते, इसलिए वो जाति का निर्माण नहीं करते हैं। तो जहाँ हम जन्मा सकते हैं तो
तो वह एक जाति हुई, यानी मानव एक जाति है। अब मानव के भीतर में जो उपजातियां हैं, जिसको कि सामान्यतः जाति कहा जा रहा है, विशेषकर भारत में यह बहुत ज्यादा ही मतलब विषाक्त है एक तरह से कहा जाएगा तो, और काफी ज्यादा ये सेंसिटिव मामला हो जाता है, संवेदनशील है, लोग इसको जल्दी तोड़ नहीं रहे हैं। हालांकि बहुत लोग अंतर जाति विवाह कर रहे हैं, जाति व्यवस्था को तोड़ने का एक अच्छा उपाय अंतर जाति विवाह ही है, किसी और चीज से तो ये टूट नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जन्मने से मतलब है, जाति जो है जन्म से है, तो जन्म को ही बदल दो। जन्म को बदलने का मतलब है कि विवाह को बदल दो, विवाह सिस्टम बदल दो, या तो विवाह ही छोड़ दो करना, कोई किसी के साथ संयोग करके, एक स्त्री पुरुष संयोग करके वो बना ले रहे हैं, एक तो नया परिवार बन जा रहा है, तो या तो इस तरह से हो जाए, या किसी भी जाति से विवाह करके वो जाति व्यवस्था टूट जाएगी। तो यह जो है जाति व्यवस्था, इस आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्मने के आधार पर तो यह ईश्वरीय है, प्राकृतिक है यह, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह चूंकि हम बदल सकते हैं, इस अर्थ में कि मानव के अंदर में तो हम बदल ही सकते हैं, कि कोई भी अधिक से अधिक मानवों के बीच में जो एक प्राकृतिक दूरी है, वह नस्लीय दूरी है, तो वह सिर्फ एक पहचान के अर्थ में है, वह दूरी एक विशेष पहचान के अर्थ में है, कुछ उसमें विशेष एक गुण आए हैं या गुण घटे, गुण की कमी या वृद्धि हुई है, जैसे किसी का चमड़ा जो है काला हो गया और किसी का चमड़ा गोरा हो गया, किसी की नाक लंबी हो गई किसी देश में, किसी नस्ल में, तो उसको नस्ल कहा जा रहे हैं कि उसके नाक लंबी हो गई, किसी की नाक चपटी हो गई, किसी की आंखें बड़ी बड़ी हैं और किसी ग्रुप की आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, तो उसको एक रेस का, नस्ल का, उसको हम लोग एक कह देते हैं भाई ये इस रेस का है। लेकिन यहां पर भी जन्म की बाधा नहीं आ रही है, तो इसलिए यह जाति नहीं कही जाएगी, जाति तो पूरे मानव की ही मानी जाएगी। जाति तब कही जाती जब वहां पर जन्म की बाधा आ जाती, जैसे पशु की एक कुत्ते की जाति हो गई, बिल्ली की जाति हो गई, घोड़े की जाति हो गई, मछली की जाति हो गई, मगरमच्छ की जाति हो गई, तो वहां जन्म की बाधा है, इसलिए वहां पर जाति है। जहां जन्म की बाधा नहीं है वहां जाति नहीं कही जाएगी, तो उसको उपजाति कह सकते हैं कुछ लोग, नस्ल कह सकते हैं कुछ लोग। लेकिन नस्ल के बाद फिर किसी प्रकार का, जो भारत में जो जातियां हैं, जैसे कि एक यादव है और एक गुज्जर है, तो उसमें कोई ऐसा अंतर तो दिखता नहीं है ना, उसका जेनेटिक मेकअप कुछ है, तो कोई अगर उसका अगर जीन संबंधित कोई अगर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वह प्राकृतिक नहीं है, तो वह सिर्फ मानवकृत है, उसको बदला जा सकता है। तो उस स्तर तक जो बदला जा सकता है, तो इसलिए यह जाति व्यवस्था जो है, ये आधी इसको मैं ईश्वरीय और आधी जो है वह मानवकृत मानता हूँ। पूर्णतः यह मानवकृत भी नहीं है और पूर्णतः यह वह नहीं है। लेकिन अगर हम लोग नस्ल को जाति नहीं कहें तब क्या होगा, तो इसलिए उसका अलग से एक शब्द बनाया हुआ है नस्ल। जाति तो सिर्फ मानव ही कहलाने योग्य है परिभाषा के हिसाब से, बाकी जो जातियां बनी है मानव के अलावा, मानव के अंदर, वो सब सब जो है मानवकृत है, यानी वो प्राकृतिक नहीं, ईश्वरीय नहीं। तो जितने भी ये हैं, चाहे आप डोम चमार पलना ढिकना, तो ये हैं, ये मानवकृत हैं। तो अब मानवकृत हुए कैसे, ये आए कैसे अस्तित्व में, तो ये आजीविका से आया है। यानी जब एक समूह ने एक तरह की आजीविका अपना ली और उसी के तहत विवाह करने लग गए
और अपनी आजीविका को सुरक्षित रखना चाहे वे, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था बहुत मायने रखती है और कोई कंपटीटर पसंद नहीं करता, तो वे लोगों ने अपनी जो कला है, अपना हुनर, अपनी व्यवस्था उसको बनाए रखा। यानी जैसे जो मछली पकड़ रहा था वो मछली पकड़ता रहा, तो वो मछुआरा हो गया, तो उसकी मछुआरा की एक जाति हो गई। जो लोहा का काम करता था वो लोहार हो गया। तो यह आजीविका से ही आई है, यानी एक समूह जो है वो एक तरह की आजीविका करने लगा, तो वह उस जाति के रूप में बदल गया जब उसने विवाह अन्य से करना बंद कर दिया। अन्य से विवाह करना, या तो अगर 100% बंद नहीं किया तो कुछ घट तो गया, कुछ ही कम कर दिया। इक्का दुक्का लोग शादी करने लगे, अधिकतर अपने में करने लगे, इसलिए वह ग्रुप एक बना रहा, बरकरार रहा। तो वह आजीविका का ग्रुप जिसके अंतर्गत ही विवाह होता हो, एक जाति कहलाती है। तो इसका भारत वैसे तो है सभी, ऐसा कोई धर्म नहीं है, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे इस्लाम हो, सभी में जातियाँ हैं, इस तरह की जातियाँ, क्योंकि सबके अपने अपने ग्रुप हैं, उसी में शादी कर रहे हैं। जैसे जो शेख है उसमें कर रहा है, पठान है उसमें कर रहा है, अंसारी है तो उसमें अंसारी में कर रहा है, इस तरह से मुसलमानों में इस तरह से है, कुरैश है कुरैशों में कर रहा है, तो ये सब उन सब का इस तरह से है। तो उसी तरह से सभी में है इस तरह से, चाहे ईसाई हों चाहे उसमें, सभी में आप जाएंगे तो पाएंगे किसी तरह से। तो वहाँ पर लेकिन यह है कि उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि आपस में उतनी घृणा नहीं है। तो जब उतनी घृणा नहीं रहेगी तो वहाँ एक ग्रुप क्षम्य हो जाता है कि चलो भाई ठीक है, अपना चल रहा है उसी में अपना विवाह कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक दूसरे का मतलब कोई कि भाई मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ उसी आधार पर जब करने लग जाते हैं, तब जा करके यह एक दिक्कत आने लगती है, तब आपस में घृणा प्रतियोगिता होने लगती है। तो यह जो भावना है वह अगर घट जाए तो ऐसे कोई बहुत तो ये नहीं है, लेकिन अगर जाति व्यवस्था खत्म करनी है, घृणा कंपटीशन इन सबको खत्म करना है, तो इस विवाह व्यवस्था में ढील देनी पड़ेगी और अपने ही जाति के अंतर्गत जो विवाह करते हैं एक कानून बनाना पड़ेगा कि अपने ही जाति में विवाह ना कर पाए, यानी सजातीय विवाह को प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो यह जो है हम लोग जातिगत व्यवस्था जो भारत में है उसको तोड़ा जा सकता है। हालांकि शिक्षा से भी जो महिलाएं पढ़ लिख रही हैं वो अपना विवाह कर ले रही हैं, किसी से कहीं से भी कर ले रही हैं, जिसका जिसके संबंध हो जा रहा है कर ले रहे हैं। धीरे धीरे शिक्षा से जो है यह परिवर्तन आ गया है, आर्थिक व्यवस्था से परिवर्तन आ गया है, तो ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन वो ग्रेजुअल हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। तो धीरे 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 उसी की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि विवाह व्यवस्था में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। लव मैरिज ज़्यादा हो रहे हैं, तो लव मैरिज ये बढ़ जाएंगे तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व तो बहुत बुरा बना हुआ है। एक इसको सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई ना कि जो संविधान में जो दे दिया गया भारत में राजनीतिक जो इसमें आरक्षण जैसा विषय ला दिया गया, यानी राजनीतिक रूप से जो जाति को स्थिर कर दिया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो कि जाति व्यवस्था सबसे ज़्यादा पीड़ित थे, वे इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि मैं जो इसको यह 10 साल के लिए दे रहा हूँ तो यह बराबर के लिए हो जाएगा और जातिगत व्यवस्था इसे और सुदृढ़ हो जाएगी, डिजॉल्व नहीं होगी। अगर वो बराबरी का दिया होता, कोई आरक्षण वगैरह नहीं दिया होता, तो आर्थिक दिक्कत तो आती लेकिन सामाजिक रूप से यह डिजॉल्व हो जाता। लेकिन अब सामाजिक रूप से इसको डिजॉल्व होने में, घुलने में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर वह एक व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है, सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। तो सबसे बड़े ये तो मनुस्मृति तो हम लोग का संविधान ही हो गया जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं कि हालांकि मनुस्मृति में इस तरह का कोई आरक्षण तो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ हम लोग का संविधान में तो आरक्षण दे दिया गया है कि यह ये व्यक्ति को ऐसा इस जाति के नाम पर ही मिलेगा। तो हर एक जाति का वर्गीकरण कर दिया गया और उसके नाम पर जो है उसको आरक्षण दे दिया गया,
तो यह जो है चलाया जा रहा है आगे से। तो अगर हमें वास्तव में, अगर हमें जाति व्यवस्था को मिटाना है, अगर हमें वास्तव में दर्द है, तो हमें यह कानून बनाना पड़ेगा कि कोई भी जाति किसी भी जाति से विवाह करे, करना ही पड़ेगा। अपने जाति में विवाह हुआ नहीं कर सकता, ऐसा होने पर ही यह मिट सकेगा। तो यही मैं समझता हूँ कि ये अब एक ऐसा आ सकता है, जैसे मान लीजिए क्लोनिंग हो रहा है, मानव की क्लोनिंग को, हालांकि टेक्नोलॉजिकली अभी तो हो गया कि क्लोनिंग हो सकता है, हालांकि इसको सरकारों ने अनुमति नहीं दी है। अब क्लोनिंग अगर कर दिया गया, क्लोनिंग से बनाए जाने लगा, इंसान बनाए जाने लगे, तो वे किस कैटेगरी में रखे जाएंगे भाई, एक प्रश्न उठता है। अभी तो नहीं मिला है, लेकिन कभी कर सकता है, कोई मिल सकता है। तो क्लोन से क्लोन बनने लगेगा, फिर धीरे धीरे ये हो जाएंगे कि मानव इस तरह से निर्मित हो जाएंगे, फैक्ट्रियों में बनने लग जाएंगे मानव। आप उनको किस जाति का कहेंगे, सोचने वाली बात है। और मानव और पशुओं के बीच की जो बाउंड्री है, जिसमें कोई जन्म नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि मानव और कुत्ते को मिला के एक प्रजाति बना दे, एक जाति बना दे, मानव और शेर को मिला के बना दे, नरसिंहा अवतार ऐसा हो जाए, तो वैसी स्थिति भी आ सकती है। और इसका जो है शास्त्रों में तो इसकी कल्पना है ही, वराह अवतार और जो कामधेनु गाय, सिर रहेगा मानव का, शरीर रहेगा गाय का। तो अगर ऐसा अगर हो गया, साइंस से संभव है, वहां तो काव्य के अर्थ में प्रकट है, लेकिन विज्ञान के अर्थ में भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान जो है वह विज्ञान के अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर ऐसा हो गया तो उसको हम भाई किस जाति का फिर कहेंगे, ये भी एक समस्या आएगी। फिर हम लोग को ये जाति की परिभाषा को भी फिर और इसका दायरा बढ़ा देना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में तो इसको, ये जो सीमा रेखा है ईश्वरी का और मानवकृत का, यह सीमा रेखा भी डिजॉल्व होने लगेगा। कहने का मतलब है कि मानवीय और ईश्वरीय सीमा रेखा भी वास्तविक सीमा रेखा नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जो ईश्वरीय नहीं हमें मालूम पड़ रहा है, वह भी ईश्वरीय हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि ईश्वरीय व्यवस्था तो है ही अंदर में, यानी संभावनाएं तो है ही, क्योंकि जो क्रोमोजोम्स नंबर हैं उनकी संख्या ही थोड़ी बहुत भिन्न है ना, डीएनए थोड़ा बहुत भिन्न है, एक चिंपांजी में और एक मनुष्य में जो डीएनए है, जो 99% मिल रहा है, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत ही हेर फेर हो जा रहा है, तो उससे वह जो जन्मने की जो सीमा है वह बढ़ जा रहा है। फिर पता चला चिंपांजी और आदमी मिल करके फिर एक नया जन्म दे रहे हैं, तो उससे एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यह जो है जिसको हम लोग ईश्वरी समझते हैं, ईश्वरी सीमा रेखा, वह सीमा रेखा भी डिजॉल्व हो जाएगी। यानी यह ज्ञान और विज्ञान की बात है कि हम ईश्वरी सीमा को और आगे बढ़ा सकते हैं, धकेल सकते हैं और आगे। तो जो जो पशु मनुष्य से ज्यादा मिलते जुलते हैं, वहां तक तो हम लोग आराम से उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे बंदर हैं, चिंपांजी हैं, गोरिल्ला है, ये सब जो हैं जो मनुष्य से मिलते जुलते हैं, यहाँ हम लोग बढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद और आगे का दायरा आ जाएगा, जिसमें स्तनपाई जो हैं उनके साथ संबंध हो सकता है। इस तरह से यह धीरे धीरे तकनीक के विकास से यह सीमा आगे बढ़ सकती है और जाति की सीमा आगे बढ़ जाएगी। तो यह व्यवस्था, इसीलिए मैंने कहा कि यह आधी मानवीय और आधी ईश्वरीय है। हरिओम।